नमस्कार दोस्तों, बड़ी खबर इस वक्त की निकल कर आ रही है साथियों। कर्फ्यू लगा दिया गया है, मोबाइल इंटरनेट को भी बंद कर दिया गया है। अभी की बड़ी खबर, बड़ा आदेश जारी कर दिया गया है साथियों। लगातार बता दें कि सुरक्षा बल जवान तैनात कर दिए गए हैं, पेट्रोलिंग पर निकल रहे हैं सुरक्षा जवान। ये खबर इस वक्त की, 1100 लोगों को असम में शरण ली है। खबर मणिपुर से, 54 लोगों की मौत के बाद शुक्रवार को मोबाइल इंटरनेट बेमियादी बंद कर दिया गया है। दगाइयों को देखते हुए गोली मारने का आदेश दिए हैं, साथ ही मणिपुर जाने वाली ट्रेनों को रोक दिया गया है। हिंसा को देखते हुए 16 में से 8 जिलों में कर्फ्यू लगा दिया गया है। सेना और असम राइफल्स के 10,000 जवान तैनात कर दिए गए हैं। डर की वजह से 1100 लोग असम पहुंच गए हैं। सीआरपीएफ ने कहा, मणिपुर में छुट्टी मनाने गए सभी सैनिक तुरंत नजदीकी बेस पहुंचे। जी हां, शुक्रवार रात सैन्य बलों के साथ एनकाउंटर में 5 उग्रवादी मारे गए हैं। मणिपुर में हिंसाग्रस्त में इलाके में 13,000 लोगों को रेस्क्यू किया गया है। मणिपुर की अतिरिक्त फ्लाइट ऑपरेट करेगी इंडिगो एयरलाइन। जी हां, ये बड़ी खबर इस वक्त की निकल कर सामने आ रही है। मणिपुर में हिंसा में अब तक 54 लोगों की मौत।